हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सागर चौधरी है और आज एक छोटी चीज बतानी। आप सोच रहे हो ग्लव्स क्यों पहन रहा हूँ, तो ये बतानी है कि आपके क्लिनिक में आप हर तरीके की क्लीनिंग करते होंगे, फ्लोर भी क्लीन होता हो, साथ के साथ आपका इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑटो क्लेव होते होंगे, स्पिटून भी क्लीन होता होगा, एवरीथिंग इज फाइन। बट उसके साथ साथ आर यू अवेयर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके आपको क्लीनिंग करनी चाहिए, जो आपके हमेशा पास में हाथ में रहता है, जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है, स्पेशली इस जनरेशन का जो सबसे ज्यादा काम उसी से लेती है, दैट इज योर फोन, आपका फोन। इसको आप कभी क्लीन नहीं करते कि आपको पता है कितने जर्म्स, कितने ज्यादा एयरबोन जर्म्स हमारे क्लिनिक में होते हैं। आप फ्लोर भी क्लीन कर लेते हैं, वॉल्स भी क्लीन करते हैं, होपफुली आप करते हैं, आप वेंटिलेशन भी अच्छी रखते हैं, बट इसके ऊपर जिसको आप कान पे लगाए रखते हैं या फिर पूरा दिन सोशल मीडिया के चक्कर में हाथ उस पर लगाए रखते हैं, क्या उसको आप क्लीन करते हैं? पहली चीज, कॉटन को ऑटोक्लेव जरूर करें। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। जिस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव करते हैं, स्पेशली आप अपने अगर फाइल्स ऑटोक्लेव करते हैं, वो फुल ऐप करते हैं, तो उस पाउच में डाल के आप कॉटन को भी रख सकते हैं और ऑटोक्लेव कर सकते हैं। मैं करता हूं, अपने असिस्टेंट को मैंने ट्रेन कर रखा है इस चीज के लिए। तो कॉटन को ऑटोक्लेव कीजिए और नॉर्मल कोई भी अल्कोहल बेस्ड आप स्पिरिट मान लीजिए, आप इनोसेप्ट मान लीजिए जिसके अंदर अल्कोहल ही है मेनली, आप थोड़ा सा लें, ज्यादा ना लें, थोड़ा सा लें, इतना बहुत है। कवर हटाएं अपने फोन का, कवर को रिमूव करें, कवर को अलग से क्लीन करें, वो ज्यादा बेटर होगा। तो कवर को अंदर से पूरी तरीके से क्लीन करें, बस एक वाइप ही बहुत है और ये आपको डेली करना है। अगर दो बार कर लें दिन में तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से इसको क्लीन करें, जस्ट क्लीन इट एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये एरिया वो है जो आपके हाथ पे लगता है, और उसके बाद उसको अच्छे से रख दें। सिमिलरली फोन को उठाएं और फोन को एक बार बस अच्छे से वाइप ऑफ करें, ठीक है, और ऐसे ही पीछे से एक बार वाइप ऑफ करें, ठीक है। डस्ट देख सकते हैं आप, अगर इसमें दिख नहीं रही है तो आई एम रियली सॉरी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट जो आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फोन को क्लीन करना है और डेली करना है, भूलना नहीं है इस चीज को। और अगर आप भूल जाए तो अपने असिस्टेंट, अपने रिसेप्शनिस्ट को ट्रेन कीजिए कि वो ये चीज करें आपके लिए। उसके बाद जो भी चीजें ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टैब है तो मैं उसको भी क्लीन करता हूँ, मेरा लैपटॉप है जिसको आप ग्लव्स पकड़े पकड़े आरबीजी लेते हैं, सेंसर के हाथ कई बस अलाइव वाले आप लगा देते हैं कीबोर्ड पे, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बल हो रही हैं तो ध्यान से उसको वाइप ऑफ कीजिए। एवरी डे वाइप ऑफ दैट विद सम अल्कोहल बेस्ड स्पिरिट और समथिंग, और इतना एम्पल इनफ है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज आप यूज रेगुलरली कर रहे हैं, ये चीज आपके घर में जाती है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स कई बार यूज करते हैं, आपके फैमिली वाले यूज करते हैं, ऐसी चीजें जर्म्स उन पर ट्रांसफर हो सकते हैं। पेशेंट को आप पूरे दिन इन्फॉर्म करते हैं इसकी मदद से, क्योंकि आप वीडियोस दिखाते हैं, पेशेंट कई बार टच कर सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो बेटर टू बी अवेयर अबाउट दिस, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर, बट द पीपल हु आर नॉट, स्पेशली आवर यंग डेंटल स्टूडेंट्स और यंग ब्रिगेड, आई वॉन्ट देम टू बी अवेयर इनफ अबाउट दिस थिंग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द लव, एंड सून आई विल बी अगेन एक्टिव ऑन माई चैनल, एज आई एम नॉट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, आई नो, बट आई विल बी कमिंग विद वेरी गुड कंटेंट, आई एम मेकिंग ए सीरीज आउट ऑफ इट, सो लेट्स सी हाउ थिंग गोज, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सो मच ऑफ लव, फॉर सो मच ऑफ सब्सक्राइबर्स, सो मच ऑफ फॉलोअर्स, आई लव यू, थैंक यू, हैव ए गुड गुड नाइट एंड गुड प्रैक्टिस, थैंक यू।